हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इफ़ यस देन गुड। आज हम कान के रोगों और उनकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। कान के रोगों के कारणों के बारे में आयुर्वेद में वर्षों पहले बताया गया है कि मिथ्या योगेन शस्त्रस्य, मतलब कान में किसी भी प्रकार के शस्त्र यानी कि जैसे पेंसिल इत्यादि का गलत तरीके से प्रयोग करना, जल क्रीड़ा मतलब गंदे पानी में नहाना और प्रतिशय मतलब बार बार जुकाम इत्यादि का होना, ये सभी कान के रोगों के कारण बताए गए हैं। और इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से जो कान में रोग होते हैं उनके मेन लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं वो कान का बहना, कान में खुजली का होना, कान में दर्द इत्यादि का होना होता है। इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए आयुर्वेद में जो एक प्रोसीजर बताया गया है जिसका नाम है कर्णधूपन। आइए अब इस कर्णधूपन जैसी इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर को हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हल्दी है और नीम के पत्ते हैं, गूगल है, ये जो है सरसों के दाने, हल्दी और विडंग, ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं ये फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। फिर जो गूगल है और नीम के पत्ते हैं ये किसी भी गीली चीज़ को सुखाने में हेल्पफुल होते हैं। जो कि हमने देखा कि कान से निकलने वाला डिस्चार्ज है उसको सुखाना है हमें, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। और ये जो लास्ट में हमने लोध्र देख रहे हैं ये ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। तो कान में होने वाला कभी कभी जो डिस्चार्ज होता है वो ब्लड मिक्स्ड भी आता है, तो उस स्थिति में हम जो है ये लोध्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को करना बहुत ही आसान है, आप सब लोग इसको अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस तीन ही चीज़ों की आवश्यकता है, एक हीटर और एक तवा और एक इस तरह का बर्तन जो कि दूध के ऊपर ढका जाता है और एक ये ट्यूब। अब इस गर्म तवे पर सभी दवाइयों को बारी बारी से डाल देते हैं। और इसको उस बर्तन से ढक देते हैं। पाँच से दस मिनट के अंतराल पर हम इसको चेक करते रहेंगे। जब ये फ्यूम्स यहाँ से निकलने लगते हैं तब हम पेशेंट के कान में इसको लगा देते हैं और ये धुआं डायरेक्टली ईयर कैनाल और ईयर ड्रम जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ तक पहुँचकर अपना काम शुरू कर देता है। ये कर्णधूपन प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट के कान की प्रिपरेशन करनी होती है, जिसके लिए हम मॉपिंग करते हैं। इसके लिए हम जो ये प्रोब होती है ईयर प्रोब, इसके एक तरफ कॉटन को लगाकर पेशेंट की ईयर कैनाल को क्लीन करते हैं। इसमें हम धीरे से इसको अंदर एंटर करते हैं और घुमाते हुए अंदर जो भी पस इकट्ठा है धीरे धीरे उसको बाहर ले आते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने तवे पर सारी मेडिसिन्स को डाल दिया था और नीचे से हीट दी थी, अब जो भी ये स्टीम आएगा इस ट्यूब के थ्रू पेशेंट की ईयर कैनाल पर लगा देते हैं। इस धुएं का इस्तेमाल हम उसके कान के पास ले जाएंगे और इस तरह से उसके कान में धुआं दिया जाता है। पेशेंट इसको अपने हाथ से होल्ड कर सकता है। इस तरह से 15 से 20 मिनट तक एक कान में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धुआं डायरेक्ट उसके ईयर कैनाल में जाएगा। इसी तरह दूसरे कान में किया जा सकता है अगर दूसरा कान भी अफेक्टेड है। और इस तरह सुबह और शाम दो बार इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और कितने दिन तक सवाल उठता है कि कितने दिन तक इसे करें, तो एक हफ्ते तक हम कर सकते हैं, 15 दिन तक भी लगातार कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से अपने क्लिनिशियन को इसको दिखाएंगे, कान की कंडीशन दिखाएंगे और उसके बाद जैसे वो कहते हैं कि हीलिंग जितना हो रही है उसके हिसाब से हम आगे भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस कान में भी ये प्रोसीजर हो गया है। अब हम इस ट्यूब को रिमूव कर सकते हैं।